चार श्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने सुनाया है कि अहमेवासमेवाग्रे नानिद यत परम पश्चादम यदेतच योपशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेरर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदुदात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्व्यवतेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चार श्लोक की भागवत है जिस श्रीमद् भागवत को चार श्लोक में सुना करके भगवान ब्रह्मा जी को नारायण ने समझा दिया और कहा कि तुम इसका चिंतन करो, मैं सब रूप में ऐसे ही हूँ, हर रूप में मेरा ही वास है। विस्तार से वर्णन किया है इसमें और इसलिए समय न हो तो कम से कम चार श्लोक की भागवत का रोजाना स्मरण करना चाहिए। इसी चार श्लोक की भागवत को श्री नारद जी ने आगे बढ़ाया और विदित व्यास जी ने इसी का चिंतन करते हुए 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमारा कल्याण करने वाला है, भक्तों का कल्याण करने वाला है। जो इसे सुनता है उसके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिस घर में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी लिखा होता है या आधा श्लोक भी होता है, भगवान वहाँ वास करते हैं। आधा श्लोक या उसका पद भी होता है और उसे सुनते भी हैं तो कृपा होती है। बोले विष्णु भगवान की जय।